नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन GLCIS परिवार के द्वारा। मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का भाग 3। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का, भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था, देखिए हमारे पास रहे 4 ऑप्शन ABCD, 1952, 1954, 1956 और 1958। देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, 1956। कौन सा होगा हमारा, 1956। देखिए भारतीय, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1956 में हो गई थी, किंतु 1 जून 1981 को पुनर्गठन किया था। 181 जो था इसको क्या किया, पुनर्गठन करा गया, ठीक है। इसका जो मुख्यालय हमारा कहाँ पर है बेटा, देहरादून में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है हमारा, देहरादून में। और पहली रिपोर्ट इसने कब पेश करी थी, 1987 में। पहली रिपोर्ट जो दी थी कि भाई मध्य प्रदेश में जो है या फिर भारत में जो वन है वो उनकी स्थिति क्या है, वो रिपोर्ट इसने कब दी थी, 1987 में। और ये क्या करता है बेटा, हर 2 वर्ष में रिपोर्ट देता है। ये क्या करता है, हर 2 वर्ष में जो है रिपोर्ट अपने को देता है। इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो कौन है हमारे, भूपेंद्र यादव है। वर्तमान मंत्री कौन है बेटा हमारे, भूपेंद्र यादव है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का, मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। क्या क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का, मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। ये रहे हमारे पास 4 ऑप्शन ABCD। देखिए आप लोग, 24 जुलाई 1975, 5 जुलाई 1981, 20 जुलाई 1979 और 10 अगस्त 1955, ठीक है। देखिए तो आप लोग आंसर्स को जो है कि आपका बेटा रीड करना है और जो है आपको कमेंट करना है ऑप्शंस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे क्या है बेटा, 24 जुलाई 1975। क्या है, 24 जुलाई 1975 इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका हम व्याख्या समझ लेते हैं। वन संरक्षण एवं संवर्धन वृद्धि के लिए, देखिए वन संरक्षण मतलब उनको बचाना, उनको सेव, अच्छे से सुरक्षित करके रखना, वृद्धि करना, उनमें समुचित दोहन उद्देश्य से 24 जुलाई 1975 का मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की जो है स्थापना करी गई, ठीक है। आया बेटा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वन संरक्षण द्वारा 2021 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट कौन से नंबर का संस्करण था। देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन है, 15वीं 16वीं 17वीं और 18वीं। देखिए बेटा राइट आंसर हमारा होगा सी। राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, सी, 17वें नंबर की जो थी ये जो 2021 की जो है क्या बेटा रिपोर्ट थी, ठीक है। देखिए तो बात करती हूँ मैं आपसे कि 15वें नंबर की कब, अभी मैंने आपको बताया बेटा कि ये हर 2 वर्ष में क्या करता है, रिपोर्ट देता है। हर 2 वर्ष में ये क्या करता है, रिपोर्ट देता है। देखिए तो थोड़ा सा ब्लर हो गया बेटा, ठीक है। मैंने बस कोशिश करी कि मैं अच्छा आपको दे पाऊँ, आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करना। 2017 में 15वीं रिपोर्ट मिली, 2017 में बेटा 15वीं रिपोर्ट मिली, जिसमें मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल अपना ये था और कुल आवरण मतलब जिसमें वन वाला जो क्षेत्र है वो इतना था बेटा, ठीक है, 77,414, ठीक है। और जो प्रतिशत था वो कितना था अपना, 15 में आपसे प्रतिशत भी पूछ लेगा बेटा कि जो 15वीं जो रिपोर्ट आई थी उसमें वन संरक्षण, वन जो आरक्षण जो क्षेत्र था या वन जितने भी थे या वन का कुल अनावरण का परसेंटेज कितना था, तो आपको याद रखना है वाला प्रतिशत 25.11, क्योंकि दशमलव के बाद हमेशा एक एक करके काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना 2019 की जो लिस्ट है ये कौन से नंबर की थी बेटा, 16वें नंबर की थी। कौन सी लिस्ट थी, 16वें नंबर की थी। कुल क्षेत्रफल अपना कितना है बेटा, मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, पता ही होगा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, लेकिन आपसे प्रतिशत पूछ लेगा कि 16वीं जो रिपोर्ट थी उसका मैं वन का जो वन अनावरण का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना था, तो आपको याद रखना है 25.14, क्या है 25.14, इसको ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है, खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है। तो ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, तेल, गोंद, लाख या कत्था, क्या निकाला जाता है बेटा ABCD में से। हमारा राइट आंसर होगा कत्था। क्या होता है बेटा राइट आंसर, क्या होगा हमारा, कत्था होगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए जो खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, जो खैर नाम का जो वृक्ष होता है उसे कत्था निकाला जाता है, और जो है मध्य प्रदेश में खैर की लकड़ी से कत्था निकाला जाता है, और जो कत्था निकालने बनाने वाला जो कारखाना होता है वो अपने शिवपुरी और मुरैना में स्थित है, ठीक है। खैर वृक्ष से कत्था निकालने का जो कारखाना है आपका जो है शिवपुरी और मुरैना में स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधक संस्था कहाँ पर है। ABCD हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर, बांधवगढ़, भोपाल या बुरहानपुर, चार ऑप्शन हमारे पास जो है दिए गए हैं। ठीक है, देखिए इन चार ऑप्शन में से बेटा राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, भोपाल। राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, भोपाल होगा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्था भारतीय वन वन सेवा विकास निगम एवं वानिकी कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए, देखिए जो वन संपदा है वन प्रबंधक संस्था, ये भारतीय वन से वन सेवा वन विकास एवं वानिकी कार्यक्रमों के विकसित विकसित करने के लिए तथा संबंधी उद्योग को जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए 1984 में जो है इसको एस्टैब्लिश करा गया था। कब बेटा, 1984 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ABCD चार ऑप्शन हमारे पास है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है बेटा राइट आंसर वो होगा हमारा बी। कौन सा होगा बेटा, राइट आंसर हमारा बी होगा, दूसरे नंबर का जो है हमारा मध्य प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश बांस उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश लगभग 50 लाख टन जो है बांस का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, और इसके भारत में सर्वाधिक जो बांस उत्पादन करने वाला राज्य है आपका कौन सा बेटा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बेटा, अरुणाचल प्रदेश आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पर पाया जाता है। कौन सा बेटा, बेहतरीन मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर है। आपके चार ऑप्शन है, ABCD, सतपुड़ा अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य, बाघ अभयारण्य या कान्हा अभयारण्य। इन चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा बेटा हमारा कौन सा होगा, रातापानी अभयारण्य। कौन सा बेटा, रातापानी जो अभयारण्य है वो आपका जो है होगा। ठीक है, देखिए रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर है बेटा, रायसेन जिले में है आपका रातापानी अभयारण्य। यह अपने सुंदर वनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सुंदर जो वन है इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में जो अभयारण्य इसमें जो है आपके चीतल, सांभर, चिंकारा, नीलगाय आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और जो भीम बेटका भी वो भी आपके इसी अभयारण्य में ही स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला जो वृक्ष का नाम है। क्या क्वेश्चन है, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष का नाम है। ABCD चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, सागवान, साल, शीशम, बबूल। तो जो वृक्ष होगा बेटा ABCD में से जो राइट आंसर होगा वो हमारा सागवान होगा। कौन सा होगा बेटा, सागवान होगा। देखिए सागवान जो होता है ये सागवान एक उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष है। यह 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा में पाया जाता है। काली मिट्टी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है इसके लिए। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में ये पाया जाता है। देखिए होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला आदि जगहों पर ये बेटा पाया जाता है। कौन सा आपका, जो सागवान वृक्ष पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता से प्राप्त किया गया है। जो मध्य प्रदेश में वन परियोजना है वो मतलब वन परियोजना जो है वो किसकी सहायता से जो है एस्टैब्लिश किया गया था। तो हमारे पास ABCD चार ऑप्शन है, यूरोपीय संघ, अमेरिकी, विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक। बेटा इन चार ऑप्शनों में से आपको जो एक ऑप्शन पर जो है टिक आपको करना है। तो जो सी वाला वो क्या, विश्व बैंक आपका राइट आंसर होगा। विश्व बैंक जो है क्या बेटा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस साल प्रभाव में आया। ठीक है, किस साल प्रभाव में आया। ABCD जो है आपके पास चार ऑप्शन दिए, 1991, 1972, 1984 और 1985। ठीक है, तो बेटा राइट आंसर होगा आपका 1972। 1972 में जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब बेटा क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए। ठीक है, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया 1972 में प्रभाव में आया, और इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1972 को प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की जो स्वीकृति का प्राप्त हुई बेटा 9 सितंबर 1972 को प्राप्त हुई, तथा भारत के राजपत्र में, भारत का जो राजपत्र है दिसंबर में 11 दिसंबर 1972 को प्रकाशित हुआ। जबकि कृषि मंत्रालय के द्वारा यह अधिनियम 25 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश में जो है लागू किया गया। किसके द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आया समझ में बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना जंगल कहाँ पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना जो है आपका सबसे पुराना जंगल कहाँ पाया जाता है। ABCD हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, बोरी वन्यजीव अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार पार्क। ठीक है, वन विहार पार्क हमारा, और दूसरा हमारा कौन सा बेटा, राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बेटा, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग
समझने की कोशिश करिए क्या आएगा। ठीक है, आंसर देना आप लोगों को बेटा इसमें। देखिए, बोरी वन्यजीव अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान, इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो है एक पे टिक करना है। ठीक है, तो बेटा इसका जो सबसे पुराना जो जंगल है आपका ऑप्शन इसमें आंसर क्या होगा आपका जो है, इसमें जो होगा आपका बोरी अभयारण्य जो है इसका राइट आंसर होगा। बोरी अभयारण्य क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे। देखिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा में घने जंगल में स्थित बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है सबसे पुराना है। बोरी अभयारण्य, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, याद नहीं होता। तो बोरी उठाकर कहाँ जाएंगे हम लोग, होशंगाबाद जाएंगे। बोरी उठाकर कहाँ जाएंगे हम लोग, होशंगाबाद जाएंगे, गेहूँ की जो बोरियाँ होती है वो। ठीक है, तो जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के घने जंगलों में स्थित बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है सबसे पुराना है। 1965 में वन्य जीव अभयारण्य का इसको दर्जा मिला। किसका बेटा, 1965 में, है ना, 1865 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसे 1978 में इसे स्थापित करा गया था। ठीक है, तो ये ईयर्स आपको अच्छे से याद रखना। देखिए पुराना क्यों है, क्योंकि 1865 से मैं इसको अभयारण्य का दर्जा मिला और बाद में स्वतंत्र भारत में इसे 1978 में क्या करा गया था, स्थापित इसको करा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन किया गया, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन करा गया। एबीसीडी चार ऑप्शन है हमारे पास, एबीसीडी के बेटा चार ऑप्शन है, 2000, 2001, 2002 और 2004। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, बी, 2001 में जो है इसको बनाया गया। ठीक है, देखिए जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिक संरक्षण एवं विकास के लिए मध्य प्रदेश में 2001 में प्रथम प्रशासनिक विभाग का गठन करा गया। इस विभाग का गठन करने वाला जो मध्य प्रदेश है वो कौन सा राज्य बेटा, प्रथम राज्य जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिक संरक्षण के लिए विकास के लिए मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 में प्रथम प्रशासनिक विभाग का जो है गठन करा गया। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा बेटा कि जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिक संरक्षण के लिए सबसे पहले कौन सा जो स्टेट था वो आगे आया था, तो मध्य प्रदेश जो था आपका प्रथम आया था, मतलब प्रथम इसने जो है क्या इस अधिनियम को जो है लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा बेटा, वर्तमान रिपोर्ट 2021 में वन एम वन संसाधनों एवं आकलन के लिए किस उपग्रह का यूज किया गया। देखिए बेटा, हम ये जो वन की अभी जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, भारतीय वन संरक्षण ने जो रिपोर्ट लेकर आया है, ये रिपोर्ट को एक एक पेड़ को थोड़ी ना गिना होगा बेटा जाकर इन लोगों ने जो हमारा उपग्रह इसकी मदद से जो है आंकड़े जो है रेडी किए हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें से आपको जो अब ये मैं गारंटेड ले रही हूँ बेटे कि किसी भी अपकमिंग एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर देख लीजिए, रिसोर्स सेट 3, रिसोर्स सेट 2, रिसोर्स सेट 7 और रिसोर्स सेट जो है आपका 10, इनमें से आपको जो राइट आंसर टिक करना है। तो बेटा एबीसीडी में से जो राइट आंसर होगा आपका होगा रिसोर्स सेट 2। कौन सा रिसोर्स सेट 2, जो उपग्रह है इसकी मदद से वनों के जो आंकड़ों को संग्रहित किया गया है। देखिए 2021 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स 2 का उपयोग आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, रिसोर्स 2 जो है आपको आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, किसकी दृष्टि से बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। एबीसीडी चार ऑप्शन दिए हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, मध्य प्रदेश होगा। देखिए ये वाला जो है हमारा मैप मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आई होप कि मैं इसमें आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, देखिए सर्वाधिक वन वाला जो राज्य है वो देख लीजिए, पहला आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का जो है कितना है, ये जो रिपोर्ट जो दी गई बेटा अभी आपके 19 और 20 से कंपैरिजन करके दिया गया है कि 20 में जो था क्षेत्र जो है आपका कितना था। ठीक है, 20 में जो क्षेत्र था वो कितना था और 19 में जो है क्षेत्र कितना है। ठीक है, 19 में जो ये 19 में दिया गया और ये 20 वाला। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल जो भी वर्तमान मतलब अभी जो 21 वाला जो क्षेत्रफल है बेटा वो ये रहा कितना, 77,493 जो है क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। और परसेंटाइल बात करूँ तो मैं कितना है 25.14 परसेंटाइज जो प्रतिशत में आपसे पूछ ले, प्रतिशत में आपसे अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश का जो 2021 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में जैसे कि
किसी भी क्षेत्र को अच्छा बारिश करने के लिए या अच्छा होने के लिए 33% वन होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 17 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर जो है 33% वन पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो परसेंटेज है वो कितना बेटा 225.14 है। कितना है? 25.14 परसेंटेज है सिर्फ, और क्षेत्रफल जो ये रहा। और 19 का जो रिपोर्ट था जो ब्लैक ज़्यादा ब्लैक डार्क वाले जो दिए बेटा, ये जो है आपके 19 की रिपोर्ट के 19 जो ये मतलब जो डार्क जो आपके बने हुए हैं कॉलम जो बने हुए हैं ये बेटा 19 के हैं, और जो लाइट जो बने हुए हैं ये भी 21 जो रिपोर्ट आई थी उसके हैं। ठीक है, वन रिपोर्ट जो आई थी अभी 21 वाली उसके हैं ये वाला जो आंकड़ा। तो बेटा आप लोगों को अच्छे से याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पर रिपीट हो गया। देखिए मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन भाग है, अभी मैंने आपको उस मैप के द्वारा समझाया है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आई होप आएगा ही आएगा। ABCD चार ऑप्शन दिए हमारे पास, 25.10, 25.11, 25.14 और 25 जो है आपका 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा आपका 25.14 जो है इसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो जो 25.14 मैंने अभी इसके पहले बताया था कि वो जो है क्या होगा इतना प्रतिशत का जो है आपका क्षेत्र होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। वन क्षेत्र मतलब सबसे अधिक जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वन होगा वो जिला कौन सा है। ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल और सिवनी। तो बेटा जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बालाघाट। राइट आंसर आपका क्या होगा, बालाघाट। देख लीजिए कैसे, देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है बालाघाट है, जिसके बाद बालाघाट के बाद जो कम जिसमें वन क्षेत्र आएगा वो कौन सा, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी। सबसे पहले जो अधिक वन जो आएंगे वो आपके कहाँ पर आएंगे, बालाघाट में, फिर उसके बाद जो सेकेंड आपके छिंदवाड़ा में आएंगे, फिर बैतूल में आएंगे, फिर आपके कहाँ, श्योपुर और सिवनी में जो है आएंगे। चलिए आया समझ में बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ये मैं परसेंटाइल के हिसाब से भी मैं लेकर आई हूँ कि आई होप कि इसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूँ परसेंटाइल्स के हिसाब से। देखिए बालाघाट में जो वन क्षेत्र है आपका क्या है, आपका क्या है बेटा 53% है। कितना है, 53% है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका श्योपुर आता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग में, परसेंटेज के अकॉर्डिंग में फिर आएगा आपका श्योपुर, फिर उमरिया, फिर जो मंडला और सीधी। ये परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, ये परसेंटेज में किसका ज़्यादा परसेंटेज है, 5 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले, ये प्रतिशत में है बेटा। ठीक है ना, ये किसमें आपके प्रतिशत में है। देखिए और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रहे, देखिए प्रतिशत में हर चीज़ का जो है अलग हो जाता है, और प्रतिशत में अगर आपसे पूछ लो तो हमको यही वाला याद रखना बेटा, प्रतिशत में बस बालाघाट ही आगे आएगा, बाकी श्योपुर, उमरिया और मंडला और सीधी ये क्रम रहेगा। क्योंकि परसेंटेज आपको जो है याद रखने बेटा, देखिए 53, 52, 49, 44 और 44, ये श्योपुर, उमरिया और मंडला और सीधी, ये परसेंटाइल है। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल आपसे बात करें बेटा, तो क्षेत्रफल में आपका आएगा बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी। ये दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपके रेडी करा दिए, यहाँ से प्रतिशत का पूछ ले तो जो है बेटा आपको ये वाला मैप याद रखना, प्रतिशत का पूछ ले। और अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बेटा ये वाला जो मैप आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे आपके, चाहे MPPSC या कोई सी भी एग्जाम हो उसके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2021 में सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र की कमी आई है, कमी आई है क्षेत्र में। कब, 2021 के जो वन रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में सर्वाधिक क्षेत्र की जो कमी आई है वो कौन सी है। तो ये रहे आपके जो है बेटा सर्वाधिक वन क्षेत्र की कमी है, ये रहे आपके अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन। अलीराजपुर, बड़वानी और जो है खरगोन, ये जो है आपके चार ऑप्शन है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा, बड़वानी। राइट आंसर क्या होगा आपका, बड़वानी। देखिए 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार बड़वानी जिले में वन में सर्वाधिक कमी देखी गई, जबकि 2019 के अनुसार जिले में 298 वर्ग किलोमीटर था। मतलब 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उसका क्षेत्रफल कितना था बेटा, 298, कितना था, 298 वर्ग किलोमीटर था, जबकि घटकर अभी 2021 की रिपोर्ट में घटकर कितना हो गया है, 904.36 वर्ग किलोमीटर जो ये हो गया है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग को कितना डिफरेंस आ गया बेटा। आप पहले कितना था बड़वानी का, बड़वानी का जो क्षेत्रफल है वन क्षेत्र वो घट गया है, पहले था आपका 928 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अभी कितना हो गया बेटा, 904.36 जो है इसका हो गया है। ठीक है, क्या हो गया बेटा, इतना क्षेत्रफल इसका रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फिर
2021 के सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ABCD चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास, मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा भिंड। राइट आंसर आपका क्या होगा? भिंड। देख लेते इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हम लोग। देखिए वर्ष 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार भिंड जिले के क्षेत्र में सर्वाधिक जो है वृद्धि हुई है। 2019 के अनुसार इस जिले का जो वन क्षेत्र था वो कितना था? 106.75 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया बेटा? 226.56 वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 226.56 वर्ग किलोमीटर। देखो बेटा बड़े का पूछे कि क्षेत्रफल वन क्षेत्र किस में बढ़ गया, तो वो आपके भिंड में बढ़ गया है। और घटा कहाँ पर है बेटा? बड़वानी में। बड़वानी में क्या हो गया बेटा? घट गया है। कितना था? 928, घट के कितना हो गया? 904। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि देखिए मैं इतना अभी टाइम नहीं कि हम लोग पूरा सीरियल वाइज पढ़ें, लेकिन मैंने ट्राई किया कि मैं सब कुछ एक में ही दे दूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, मतलब ये जो मतलब फैक्चुअल जो चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती है वो। देखिए वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है, मैंने आपको उसको बता दिया था, लेकिन इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है बेटा? जबलपुर में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है इसका? जबलपुर में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है आपका? भोपाल में। कहाँ पर है बेटा आपका? भोपाल में, प्रदेश के बालाघाट में। वन राजकीय महाविद्यालय बेटा ये एकमात्र है, बालाघाट में एकमात्र राजकीय वन विद्यालय की स्थापना करी गई, जो 1979 में इसको करा गया स्थापना। प्रदेश का दूसरा राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर है? 98 में। सॉरी, यहाँ पर जो वानकी जो विद्यालय, उद्यमिक जो विद्यालय है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहे थे अपन लोग। देखिए तो प्रदेश का जो बालाघाट में है ये वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना आपकी जो है 1970 में करी गई, लेकिन जो दूसरा है वन राजकीय वन महाविद्यालय 1980 में बैतूल में जो इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुर में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित करा गया। कौन सा बेटा? प्रादेशिक स्कूल जो है स्थापना करी गई। प्रदेश में शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनऊदा एवं वनपाली व वन संरक्षणों के प्रशिक्षण जो है दिया जाता है। क्या? वन जो संरक्षण जो करते हैं उनको जो है प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। कहाँ कहाँ पर? ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनऊदा, वनपाली, यहाँ पर जो है आपको वन संरक्षणों को प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल प्रदेश के बैतूल तथा रीवा में है। बेटा कहाँ पर है? पहरेदारों की जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ पर है आपका जो है ट्रेनिंग स्कूल आपका? बैतूल और रीवा में। कहाँ पर है बेटा? बैतूल और रीवा में। ठीक है, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश कौन सा आपका? मध्य प्रदेश है। 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश कौन, राज्य कौन सा आपका? मध्य प्रदेश है। वनों में, प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब करा गया था आपका? 1970 में किया गया था। सबसे कम वन कहाँ पर है? होशंगाबाद वन वृत्त में पाए जाते हैं। सबसे कम वन वृत्त कहाँ पाए जाते हैं आपके? होशंगाबाद में पाए जाते हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा वन वृत्त में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन जो है कहाँ पाए जाते हैं आपके? खंडवा वन क्षेत्र वन वृत्त में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वन अभ्यारण लेकर आऊँगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए जाते जाते दो लाइन आपसे कहना चाहूँगी। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना और जो है आपकी जॉब लेना है। ठीक है, दो लाइन आपको कहना गाना चाहूँगी मैं। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाए तो घबराना कैसा, जो कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, हैरा जरा मुश्किल तो घबराना कैसा। तो कभी भी घबराना नहीं है, पूरे जोश के साथ अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।